हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं। महेंद्रगढ़ शहर के अंदर हैं हम। महेंद्रगढ़ शहर से जो नारनौल महेंद्रगढ़ दादरी जो रोड है, जो 148B है, उस हाईवे पर हम खड़े हैं। इस रोड की रिपेयरिंग है, जैसा कि BNDR ऑफिस के माध्यम से अनाउंस किया गया था, बताया गया था। एसडीएम साहब से हमारी 2 दिन पहले जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि कुछ दिवाली को लेकर सावधानियां बरतने के लिए रिपेयरिंग का सेक्शन जो है मजबूत करने की ज़रूरत है, तो उसको देखते हुए यहां पर रिपेयरिंग का काम शुरू हो रखा है। 148B जिस हाईवे की हम बात कर रहे हैं, उस हाईवे पर हम खड़े हैं। महेंद्रगढ़ नारनौल जो शहर है, महेंद्रगढ़ नारनौल दादरी रोड जो है, उसके ऊपर हम खड़े हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरों के अंदर कि यहाँ ये जो काम है जारी है। यहाँ पर जो उपस्थित जन है इनसे जानते हैं कि हाँ जी सब लाइव चल रहे हैं जी। आप ये बताएं कि ये काम कौन कौन सा डिपार्टमेंट करवा रहा है जी? BNDR करवा रहा है जी। BNDR करवा रहा है। आप क्या हैं जी इसमें? इस मेरे सामने दुकान है जी। अच्छा जी, आप एक्साइड बैटरी की। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बड़ी मशक्कत करनी पड़ती होगी आपको, हर रोज इतनी धूल उड़ती है यहाँ पर? यार शाम को आधा किलो धूल खा के सोते हैं। अब आज आए यहाँ, रिपेयरिंग इस तरह से चल रही तो थोड़ी बहुत खुशी हो रही होगी? नहीं, इससे क्या खुशी होगी, काम तो रोड बनेगा तो खुशी होगी। ये तो रिपेयरिंग से कुछ नहीं होना है, तो ये रिपेयरिंग इतनी उठती है, इसके साथ ये बराबर मिट्टी उठेगी, ये रोड प्रॉपर तरीके से बनेगा तभी तो काम चलेगा जी। बिल्कुल सही बात है। तो आपको एक तुरंत रिलीफ के लिए एक गोली दे दी, प्रॉपर इलाज थोड़ी, इलाज तो लंबे पीरियड तक, जब तक इंजेक्शन नहीं लगाएगा, प्रॉपर इलाज नहीं करेगा, तब तक किसी कुछ नहीं हो सकता इसका। प्रॉपर रोड बनाना पड़ेगा इनको, इसके ये गड्ढों से काम नहीं चलेगा। यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी टूटा हुआ, वहाँ भी टूटा हुआ है, आप देखो ना जी। बिल्कुल, एक हिस्सा बचा हुआ है, एक हिस्सा भरा हुआ है। हाँ, यही यही हमने पीछे अभी थोड़ी देर पहले राव तुलाराम चौक पर भी दिखाया था कि ये जो रिपेयरिंग हो रही है वो एक जगह हो जाती है, दूसरी जगह साइड में दूसरे गड्ढे में नहीं हो पाती है। ये बड़े गड्ढे कर रहे, छोटे गड्ढे कर नहीं रहे ये लोग। प्रॉपर इस पे 30 mm का 40 mm का कारपेट बिछाए वहाँ तुलाराम चौक से लेके सतनाली चौक तक, तो ठीक रहेगा, इनसे तो कोई फर्क नहीं, तो सरकार का पैसा व्यर्थ कर रहे हैं। व्यर्थ है अपने आप में। ये पता नहीं कब, आज अगर रिपेयर हुआ तो चलेगा, कब तक शाम तक ये रोडिया वापस बिखर जाएगी? शाम तक तो नहीं बिखरेंगी, ये प्रॉपर तरीके से जब तक रहेंगे तब तक काम करेगी, पर बाकी जब पानी आएगा तो हो जाए, जब तक पानी का समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता जी। ये 3 पेट्रोल पंप है, इन पेट्रोल पंपों का पानी रोड के ऊपर आता है, मेन समस्या ये है। और यही फिर सरकार के दौर में आज जिसका 1000 फुट से ज्यादा कवर्ड एरिया है वो अपना बोर करवाए जी, और ये किसी कौन से पेट्रोल पंप वाले के पास बोर नहीं है, मतलब तीनों पेट्रोल पंप का पानी जो है वो रोड पर आता है, इस वजह से रोड टूट जाता है। और कोई वजह नहीं है, मेन कारण यही है, और कोई कारण नहीं, आगे नहीं टूटा, बीच में यहाँ नहीं टूटा, क्योंकि यहाँ 2 पेट्रोल पंप में इनका पानी आता है, आगे वो पेट्रोल पंप उसका पानी आता है, इस वजह से टूटता है। इन्होंने पेट्रोल पंप नोर भी कहता है, पेट्रोल पंप है ना रोड से 6 इंच नीचे होने थे, इन्होंने 2-2 फुट ऊपर रखा रखे सारों ने जी, इनको नीचा करवाया जाए पेट्रोल पंपों को। BNDR का अधिकारी घुस ले रहते हैं इसमें। हाँ, बस वो इसी हिसाब से एक्शन को रेसिव को कार्रवाई करनी चाहिए, इन BNDR इनको नोटिस भेजना चाहिए, नोटिस भेजते नहीं, या रिचार्ज बोर करवाए भैया, रिचार्ज बोर करवा देंगे तीनों पेट्रोल पंप वाले अलग अलग बनावा, तो पानी तो अपने आप नेचुरली नीचे चला जाएगा, रोड पे आएगा ही नहीं। उनसे वो भी नहीं कहता, इसमें किसी भी अधिकारी कह दो, SDM को भी, SDM वो यहाँ से जाता है, DC भी जाता है, SDM भी जाता है, SP भी जाता है, सर उनको पता नहीं, और किस लिए टूटता है ये भी पता है, सिर्फ सिर्फ पानी की वजह से टूटता है, ट्रैफिक से नहीं टूटता, पानी की वजह से टूटता है। पानी तीनों पेट्रोल पंपों का आता है, मेन पेट्रोल पंपों का आता है, पानी का निकास नहीं है, पेट्रोल पंपों वाले ने रिचार्ज बोर नहीं कर रखे, इसलिए पानी आता है। बाकी सरकार की अपनी मर्जी है, सरकार का ध्यान देने का काम नहीं, महेंद्रगढ़ तो गड्ढे में डाल रखा है और 10 साल पीछे कर दिया। लेकिन महेंद्रगढ़ क्या, हरियाणा सरकार BJP सरकार तो ये कहती है कि उन्होंने 4 लेन हाईवे बनवा दिए बहुत यहाँ पर, वो तो कांग्रेस राज ने कहा था, पेट भी कटवा दिए थे, हुआ तो नहीं ना। दोनों ही सरकारों के अंदर इस सड़क की तो विशेष तौर पर दुर्गति रही है, हमारे जनप्रतिनिधियों की कमी है, हमारे जनप्रतिनिधि से स्ट्रांग होगा या मुख्यमंत्री हमारे इलाके का बनेगा, चाहे महेंद्रगढ़ का बनाओ, चाहे रेवाड़ी का बनाओ, चाहे गुड़गांव का बनाओ, तब तक काम नहीं होगा, क्योंकि जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो हाईवे की तरफ से बनते हैं। बंसीलाल ने तो क्या भिवाड़ी का विकास किया, भजनलाल ने हिसार का किया, टोटालाल ने सिरसा का किया, करनाल की तरफ कर रहे हैं, हुडा ने रोहतक का, देखो रोहतक जजर मित्री बाईपास निकाल दिया, महेंद्रगढ़ में एक बाईपास भी नहीं है। देखो सरकारों की कमी है, हमारे जनप्रतिनिधियों की कमी है, मैं तो इसको मानता हूँ कि हमारे लोगों की भी कमी है जी, अच्छा नेता नहीं चुनते, लोगों की कमी है क्योंकि वो अच्छा नेता नहीं चुनते, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले देखने को साफ साफ मिल रहा है कि पिछले 45 वर्षों से सिर्फ 2 जनप्रतिनिधियों का ही यहाँ पर बोलबाला है, तो ऑटोमेटिकली जो जनता है वो भी इन्हीं का चुनाव करती है, और जो ऑप्शन भी तो नहीं है ना जी, पार्टियां उन्हीं को टिकट देती है, लोग पार्टियों को वोट देते हैं, निर्दलीय को तो वो देता नहीं, निर्दलीय करेगा क्या, काफी दे रखे हैं, कांडा साहब को भी दे रखा है, और भी दे रखे हैं, वो सरकार के पक्ष में चले जाते हैं, पैसा लेके अपने आराम से बैठते हैं,
नेता तो पार्टी का ही चुनना चाहिए जी बिल्कुल, किसी पार्टी का, पर वो स्ट्रॉन्ग हो, इलाके में काम करवाए। रावदान सिंह विधानसभा में बोल ले कि ये रोड नहीं बनना, क्यों नहीं बन रहा? अब नारोल में इतने रोड बन गए, चारों तरफ बाईपास निकाल दिया, महेंद्रगढ़ में एक भी बाईपास नहीं निकल सकता क्या? शहर का ट्रैफिक इसी रोड से जाता है, लोग कितने परेशान, आप देखेंगे कितनी धूल उड़ रही आपके सामने है, जो भी गाड़ी आती है उसके साथ इतनी धूल उड़ती है, वो हो रही है। मतलब हमारा इलाका वोट देता है, बीजेपी को भी हम बनाते हैं, कांग्रेस को भी हमने जी बिल्कुल। कांग्रेस ने जब हमारे पूरे इलाके में एमएलए थे तो कांग्रेस सरकार थी, आज बीजेपी क्या, बीजेपी की सरकार है। सत्ता का संतुलन तो हम लोग बनाते हैं और मजे लोग और लेते हैं, विकास हमारे यहाँ नहीं हो पाता। वो हमारे साथ होता है, मोर तो है ना, वो खुश हो जाता है अपने पंखों को देख के, पैरों की तरफ रोता है। रोड तो हमारे सारे ऐसे, शहर के अंदर भी ऐसा ही है। हाँ, शहर के अंदर भी कहीं ना कहीं देखे तो इससे भी बुरा हाल है, कहीं कई सड़कों का 10 साल में 5 साल में कुछ किया नहीं भाई। वो चेयरमैन बनाया था बंटी चेयरमैन, उसने कुछ नहीं किया। हाँ, वो आपस की राजनीति की वजह से, राजनीति नहीं है, सरकार चाहती तो सरकार के पास सरकार की अपनी पॉलिसियाँ होती है। सरकार कमेटी की बजाय बीएनडीआर से भी करवा सकती थी जी, मार्केटिंग बोर्ड से भी करवा सकती थी, किसी भी थर्ड पार्टी एजेंसी को दे सकती थी। काम करवाना सरकार का काम है, एक चेयरमैन नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं है। सरकार के पास और भी एजेंसी है, नगर पालिका के अलावा बीएनडीआर भी है, पब्लिक हेल्थ भी है, इरीगेशन भी, किसी भी डिपार्टमेंट को बया दे कर देते, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को करवाना नहीं। नहीं, ये सरकार के जनप्रतिनिधि, सरकार का काम वो देखे कि शहर की ये हालात है, हमारी कमेटी काम नहीं कर रही है तो उसको बीएनडीआर में पैसा दे दो जी, बीएनडीआर एक बड़ा ग्लोबल टेंडर लगा के उसको कर देगी भाई। लोकल राजनीति में तो सभी आदमी का, हर आदमी का अपना इंडिविजुअल है ना सिस्टम होता है, उस हिसाब से काम करना, ठेकेदार पे भी मिली भगत होती है। बाकी बीएनडीआर को एक बड़ा टेंडर लगा देगी 5 या 10 करोड़ रुपए का, एक महीने में काम कर जाएगी, बड़ी एजेंसी आएगी, अच्छा काम करेगी। लेकिन ये सब ग्राउंड लेवल पर ये सब दिखाई नहीं पड़ रहा, करते नहीं है लोग, राजनीति की कमी है, करते नहीं है हमारे लोग। महेंद्रगढ़ की आम जनता को क्या कहना चाहेंगे, ये जो सड़कें हैं इनकी दुर्गति के लिए जिम्मेदार मान लीजिए जनप्रतिनिधि हैं या फिर आम जनता है, कौन है? देखो, जनप्रतिनिधि तो है जिम्मेदार, आम लोग भी हैं, हम विरोध नहीं करते जी, हम किसी आदमी चीज का विरोध नहीं करते। विरोध नहीं करेंगे तो कोई आदमी कहते हैं छोटा बच्चा रोता है ना तो भी माधु तभी बुलाती है, तो हम लोग किसी कुछ कहते नहीं है भाई, मैं चुप हो गया आप चुप हो गए। और दूसरी कारण के हमारे नेता लोग भी है वो भी साथ नहीं दे, किसी आप जांट लाइन में चले जाओ आदमी विरोध करोगे तो आप पे मुकदमा दर्ज नहीं होगा, मैं यहाँ रोड क्लोज कर दूंगा मेरे पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा, 5 आदमी में मुकदमा दर्ज हो जाएगा, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि हमारे साथ नहीं होते जी बिल्कुल। और इसमें हम तो खुद ये देखते हैं कि हमने काफी बार इस रोड की कवरेज करी है, हम जब यहाँ पर आते हैं जैसे आप और मैं अभी खड़े हैं, रोड का रिपेयरिंग का काम चल रहा है, एक दो साथी जो अभी जैसे मान लीजिए आए हैं, चेयरमैन जी हमारे से बात करिए जी, ये तो अभी जैसे एक दो साथी तो आ जाते हैं लेकिन इससे ज्यादा संख्या कभी हमें रोड पर देखने को नहीं मिली। जाए तो मुकदमा दर्ज कर देती है प्रशासन, मुकदमा दर्ज कर देती है, हमारा आदमी 5 आदमी रोड पे तो मुकदमा दर्ज कर देती है, यही यहाँ से 20 किलोमीटर दादरी में चला जाए 100 आदमी चला जाए मुकदमा दर्ज नहीं करती, मुकदमा उनके जनप्रतिनिधि उन लोगों के साथ होते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हमारे साथ नहीं होते, जनप्रतिनिधि अपने घर चले जाते हैं, हमारा वोट लेते हैं, मौज लेते हैं। हमारे यहाँ सीएम साहब की रैली हो जाती है, वहाँ रैली का विरोध होता है उसके बावजूद भी 500 करोड़ रुपए पास कर दिए जाते हैं, ऐसा कुछ माहौल है। अरे सर, उनका क्या कहना, सीएम तो वही वोट देगा जहाँ विरोध होगा जी, तो विरोध यहाँ तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ तो 5 लोगों के ऊपर बात बन, समय लगेगा, विरोध लोगों के अंदर भावनाएं हैं, जब सरकार दे देगी तो पता चल जाएगा, उनको पता चल जाएगा जी भाई, हमें नहीं पता खट्टर साफ करवा रहे हैं या कौन करवा रहा है इस मामले में, और बाकी सरकार लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, इस आहिरवाल ने पूरे ने बीजेपी में वोट दिया, आप गुड़गांव से तक कहीं भी चले जाओ ये दादरी चलते ठीक कैसे जाएगा वो सुने, ये जो रोड दादरी चलते के साथ ही 4 लेन है जी बिल्कुल, क्या 10 मीटर का भी करें 12 मीटर का उसकी वाइडनिंग भी कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वहाँ से हमारे उप मुख्यमंत्री की माता जी विधायक है, विधायक या विधायक कांग्रेस का है जी, पहले बीजेपी का था, बीजेपी का हो सकता है खट्टर साहब की उनसे बढ़ती नहीं हो इसलिए रोड नहीं बनवाया हो, ये भी तो हो सकता है। हाँ? हम तो इस बारे में कह रहे हैं राजनीति है, राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं जी। हो सकता है रामलाल शर्मा जी बड़ा नेता था, उनको मारने के लिए खट्टर साहब ने मारे, काम नहीं करवाए। ये हमारे सुर सिंह चेयरमैन जी बताएंगे आगे जी, चेयरमैन साहब बताएं, ये सड़क आप तो यहीं रहते हो तो सड़क की दुर्दशा है काफी बुरी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इतनी बुरी दुर्दशा है जी, आप 10 मिनट भी आप इसको रुक नहीं सकते, आम जन परेशान है, तो आगे ही अपने महेंद्रगढ़ का कोई साहब नेता काम नहीं कर पाया, पता नहीं जान के छोड़ दिया पेंडिंग, जैसे मेडिकल था वो उठ के चला गया देखते देखते जी, जेल थी वो उठ के चली गई, बिजली बोर्ड था ये, इसका सारा सामान नारू लेने जाने पड़ता है हमें, हमारे यहाँ के लोग शरीफ है बेचारे, बिजली के छापे भी यहीं पड़ते हैं, बिजली के छापे भी 4 बजे उठ के लोग सुबह उठ के अपना नाम का नाम लेते हैं, ये खट्टर सरकार यहाँ बीजेपी के छापे गिरवाती सुबह 4 बजे, पहली बार रिकॉर्ड हमने देखने को मिला है, और वो भी सिर्फ
अपने अहिरवाल महेंद्रगढ़ इलाके का सारा सुबह आके पुलिस खड़ी होती है, ऐसा कोई दिन नहीं, आज अभी नहीं दिख रही, नहीं है सुबह आके यहीं परेशान करने जाती है। जो आदमी आए बेचारा इन खड़ों मांग निकलेगा उसको पकड़ के चलान काटते रहेंगे। अरे निकलने की चलने की जगह नहीं है, तुम चलान पर सिर्फ उतरे रिक्वेस्ट कर ली, नेता रोड पर आते नहीं है, आते हैं तो 10 मिनट अपने करी झूठा धरना नौटंकी दिखाई आगे चले जाते। हाँ मतलब जो जनप्रतिनिधि हैं वो झूठा धरना नौटंकी करके चले जाते, वोट तो वही लेते हैं ना, पब्लिक का वोट वही लेते हैं। हमारे जैसे पर गांव छूट भैया मानते हैं, भाई क्या करें, क्या हम इस लाइन में नहीं है फील्ड में, ठीक है गांव ने एक बार बढ़ा दिया था, पंचायत सरपंच बढ़ते रहते हैं, इसलिए मैं चेयरमैन बन गया था, हम अपने काम पर लगे रहते हैं, हमारी राजनीतिक लाइन नहीं है ना। जी बिल्कुल सही बात है, राजनीतिक लाइन तो उन लोगों की जो हमें लेकर इलेक्शन लड़ते, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है उनको अपना काम करना चाहिए। अपने लोकते हैं, अपने 5 साल में एक बार यहाँ आए, 2 महीने पहले अपना प्रचार किया और उसका पब्लिक ने एक बार इधर वोट देना, एक बार इधर देना, पब्लिक ने भी कहीं ना कहीं डिसाइड कर रखा है कि ऑप्शन बस दो ही है। यहाँ तो कोई संघर्ष वाला आदमी आना पड़ेगा, उसके बाद ही चलेगा काम। बाकी हमारी तो मांग ये है, आप जैसे मांग उठाते रहो, आप ही पत्रकार ही सरकार को हिला सकते हैं। जी हम अपना पूरा प्रयास करें, लेकिन कई बार हमें ऐसा देखने को मिलता है कि जब जैसे आप और हम खड़े हैं, अभी हम धूप में खड़े हैं, काम यहाँ चल रहे हैं, साफ तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं, लाइव हमारा प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन यहाँ अभी भी जो दुकानदार साथी हैं वो साइड दाएं बाएं से नहीं आते हैं। बहुत बुरा हाल है, करें क्या, दुकानदारों का जीना हराम है, रोटी सब बंद हो गई, कुछ तो कोरोना ने ला दिया, नोटबंदी के बाद तो पटड़ी पाई नहीं थी गाड़ी, फिर कोरोना ने 1.5 साल सब कुछ ही चौपट कर दिया, ऊपर से सरकार इतनी रूस के बैठ गई, पता नहीं मेहंदड़ इसको दिखाई नहीं देता, सीएम बार बार आता है यहाँ पर, करने क्या आता है ये नहीं पता, पत्रकारों को भी नहीं बताता, उनको अंदर नहीं आने देता, अंदर ही नहीं आने देते, मीडिया वालों को कोई नहीं बताता, पब्लिक क्या पूछेगी, मीडिया वालों को धरना देना पड़ता है। मीडिया वालों को धरना देना पड़ता है, क्या करे, क्या जाए, राम राज के आगे सब कुछ इस खट्टर सरकार ने फेल कर दिया। नहीं ऐसा नहीं लगता कि जैसे 21 जिलों की बात करें तो महेंद्रगढ़ को ही ज्यादा दरकिनार किया जा रहा है, क्योंकि बाकी सब सही चल रहे हैं। देखते हैं, आप 3 दिन पहले एक लिस्ट जारी हुई थी जी, ये पैसे इस जिले को दे दिए, उसमें महेंद्रगढ़ का नाम ही नहीं है। 3 दिन पहले अखबार में फ्रंट पेज पे थी, इन जिलों में कुछ विकास कार्य मंजूर किए, उसमें महेंद्रगढ़ का नाम नहीं है। अब महेंद्रगढ़ का नाम भी नहीं है, और अगर महेंद्रगढ़ का नाम आता तो उसमें भी नारनौल जिला लिखा होता, ये भी हो जाता है। जिला तो चलो लिखते हैं, पर कहीं महेंद्रगढ़ का जिले में भी तो नहीं लिखते। जी जिले नहरों की देख लो, नहरों में नंगल चौधरी में पानी है, महेंद्रगढ़ की किसी नहर में पानी नहीं, मेरा गाँव खातो दड़ा वहाँ तक पानी नहीं जाता, ये मेन माइनर जो महेंद्रगढ़ माइनर इसमें पानी नहीं जाता, उसके टैल में कहीं पानी जाता है, प्रशासन को जगाया जाए, लोग इतने परेशान, इस रोड पे इतनी ट्रेजरी हो चुकी है, बेचारों का घर बंद हो गया। हमारे देखते देखते ही शायद नार रोड तक इस रोड के ऊपर कम से कम 1 साल में 40 से 45 ट्रेजरी हमारे ध्यान में जी, जिनका चलता चलता घर उजड़ गया। ऑन रिकॉर्ड है जितनी इस रोड की बता रहे हो, जितना आप बता रहे हो पता नहीं लगता, बाकी इस रोड को इतनी परेशानी है, पता नहीं कब जागेंगे, इनके लिए अमल कराते हैं, खट्टर साहब के लिए, बीजेपी के लिए, सब लोग मेहनत के अमल करने के बैठ गए, रोड बना रहे, अगर वो कुछ मीडिया ये रख के 100-200 हजार आदमियों को बुलाया कि इस पर रोड पर अमल करा दे भाई, तो कम से कम इसको बढ़ा दे जी। ये रिपेयरिंग का जो सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, चेयरमैन साहब बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। ये आप देख रहे होंगे साफ तस्वीरों के अंदर कि ये काम चल रहा है यहाँ पर, महेंद्रगढ़ शहर के अंदर हैं हम, सतनाली चौक से राव तुलाराम चौक की तरफ जब जाते हैं तो वहाँ पर हम खड़े हैं, और ये यहाँ पर रिपेयरिंग चल रही है सड़क के ऊपर, पेट्रोल पम्प के सामने हैं, जो राव तुलाराम चौक से फर्स्ट पेट्रोल पंप पड़ता है उसके जस्ट सामने हम, यहाँ रिपेयरिंग चल रही है, पीछे आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि ये रिपेयरिंग करते हुए जो हैं रोड रोलर ट्रक और जो कर्मचारी वो सभी हैं, ये रिपेयरिंग जो चल रही है, ये रिपेयरिंग चल रही है B&R डिपार्टमेंट जो उसकी तरफ से, लेकिन आप जस्ट के तस हालात देख सकते हैं कि किस प्रकार के हालात यहाँ पर हैं। कैमरा के अंदर क्वालिटी होने की वजह से धूल बहुत कम दिखाई पड़ रही होगी, अदरवाइज यहाँ इतनी धूल है कि मैं इस सड़क के किनारे खड़ा नहीं हो सकता, अभी मैं सड़क से कुछ मीटर की दूरी पर आ गया हूँ, इतनी ज़्यादा धूल है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा धूल है, आप देख सकते हैं साफ तस्वीरों के अंदर, ना ही तो कोई पैदल आदमी चल सकता है, ना ही यहाँ पर कोई मोटरसाइकिल सवार चल सकता है, बड़ी दिक्कत होती है जब भी कोई यहाँ पर ड्राइविंग करता है, बाइक राइड करता है उस समय, तो ये एक विशेष बात है यहाँ पर कि महेंद्रगढ़ शहर के अंदर की जो सड़कें हैं वो तो ख़राब हैं ही हैं, लेकिन महेंद्रगढ़ शहर की जो मेन सड़क है, मुख्य सड़क है, नारनौल से दादरी से सड़क है, उस सड़क के ऊपर इस तरह के हालात आपको दिखाई पड़ेंगे, जब आप देखेंगे तो कुछ इस तरह के हालात दिखाई पड़ेंगे कि यहाँ पर धूल, मेरे से बोला नहीं जा रहा, क्योंकि धूल मैं बहुत ज़्यादा खा चुका हूँ इसी रोड पर। कैमरे के अंदर मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि क्वालिटी अच्छी होने की वजह से यहाँ पर धूल आपको कम दिखाई पड़ रही है, बाकी यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी धूल है। ये आप एक बात बताइए कि यहाँ पर, चलो वहाँ थोड़े से गड्ढे थे तो गड्ढे रिपेयर कर दिए गए, लेकिन इस जगह का क्या करेंगे, किस प्रकार से रिपेयरिंग करेंगे लोग,
ये साथी जो हैं ये किस प्रकार से रिपेयरिंग करने वाले हैं, क्यों, क्योंकि ये जो यहाँ से जब चलेगा तो ये रोड़े जो डाल रखे हैं, जो धूल उड़ रही है, ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर और सतनाली चौक तक इतना बुरा हाल है, तो इसकी रिपेयरिंग ये लोग कैसे कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास तो सिर्फ एक ही ट्रक है और उस ट्रक के अंदर भी जो मटेरियल है वो मटेरियल इतना सा है कि बस वो दो चार अपना हल्के से गड्ढे भर पाएँ, इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ इतनी ज़्यादा धूल और इतनी ज़्यादा आपको दिखाई पड़ रही होगी साफ तस्वीरों के अंदर जो गड्ढे हैं, इन गड्ढों के अंदर आप देखिए कितना बुरा हाल है यहाँ पर। आमजन यहाँ पर परेशान है, कोई भी कैंडिडेट जो कहीं से भी आता है उस कैंडिडेट को महेंद्रगढ़ की जो सड़क है उसकी जो दुर्दशा है उस दुर्दशा को वो साफ साफ देख कर जाते हैं कि देखिए किस तरह का महेंद्रगढ़ है। अभी कुछ दिन पहले ही जब एग्ज़ाम हुए थे हरियाणा पुलिस के, तो उसमें बहुत सारे लोग बाहर से आए थे, उन्होंने ये तक कह दिया था कि हम यहाँ वापस फिर कभी नहीं आएंगे, महेंद्रगढ़ शहर की सड़कों की इतनी दुर्गति है, इतनी दुर्दशा हालत है कि लोग जो बाहर से आए एग्ज़ाम देने के लिए उन्होंने मना कर दिया था कि भविष्य में हम महेंद्रगढ़ शहर में वापस कदम नहीं रखेंगे। ये रिपेयरिंग की जा रही है जी, रिपेयरिंग आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के अंदर, यहाँ काम चल रहा है B&R डिपार्टमेंट की तरफ से। 2 से 4 दिन पहले जब हमारी SDM महोदय से बात हुई तो उन्होंने बताया था कि दिवाली को देखते हुए हम जो मुख्य एंट्री मार्ग हैं उन सभी एंट्री मार्ग पर जल्द ही सड़कों पर रिपेयरिंग का काम शुरू करेंगे और रिपेयरिंग करवाएंगे, तो ये रिपेयरिंग जारी है। ठीक है, एक अच्छी कोशिश और एक अच्छी पहल है, लेकिन सवाल आज भी वही कि 148B, मतलब कह सकते हैं कि जहां 4 लेन की बात होती है वहां पर गड्ढे भरने वाली ये रिपेयरिंग के सेक्शन को दिखाकर एक मीठी गोली देने वाला काम कर दिया जाता है। ये है आपका महेंद्रगढ़ शहर का प्रशासन और महेंद्रगढ़ शहर की सरकार या हरियाणा सरकार जो कहती है, दावे ठोकती है कि 4 लेन हमने बनवा दिए, जिले महेंद्रगढ़ के अंदर तो बनवा दिए, लेकिन क्या महेंद्रगढ़ शहर के अंदर से एक भी